नहीं जगन, ऐसा मत कहो मेरी बेटी के बारे में, ऐसा मत कहो। मैं आज दावे के साथ सारी दुनिया के सामने कह सकता हूं कि राधिका मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूं। जगन, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जो भी सपने देखे हैं उन सबको राधिका ही पूरा कर पाएगी। सिर्फ राधिका की, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तुमने जो सपने देखे हैं वो हम सबके सपने हैं। जगन, तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी हालत के बारे में जानता नहीं हूं? तुम लोग लाख छुपाओ मुझसे, अगर मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे दामन में कितनी सांसें बची हैं। तू क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? इतने लंबे अरसे के बाद दो दोस्त मिले हैं, तू मेरे घर के दरवाजे पर आया, तू क्या मैं तुम्हें एक दो दिन के मेहमानों की तरह रुखसत कर दूंगा? देख, अगर अब भी तूने पराया जैसी बात की ना तो समझ ले तेरी मेरी दोस्ती खत्म। जगन, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अच्छा, मुझसे वादा कर कि तू किसी को नहीं बताएगा कि मैं अपने बारे में अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपनी हकीकत से वाकिफ हूं, ये तू किसी को नहीं बताएगा। क्या है कि जितनी भी मेरी जिंदगी बची है, जितना भी मेरे दिल को और धड़कना है, मैं चाहता हूं कि उसे मैं निराश होकर नहीं, हंसकर गुजारूं। समझ गया तू? वादा करके तू किसी से नहीं कहेगा। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूं कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। खुराना, खुराना, दरवाजा खोलो, खुराना, खुराना, दरवाजा खोलो प्लीज, घर वाला दरवाजा खोलो खुराना। लोगों को तकलीफ देने का एक अलग ही नशा है, अजीब ही मजा है, लेकिन ये मेरी भांजी इस बात को समझती नहीं। खुराना, दरवाजा खोलो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। इस बच्चे की हालत देखो, मैं इसको इसकी माँ तक पहुंचाना चाहती हूँ। खुराना प्लीज, दरवाजा खोलो खुराना। नो नो नो, खुराना दरवाजा खोलो, खोलो खुराना दरवाजा प्लीज खोलो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, answer 1000 times remains no. Please खोल दो दरवाजा, खोल दो। मैं क्या करूं, इसे कैसे घर तक पहुंचाऊं? खुराना ने किस मुसीबत में डाल दिया? शायद पीछे का दरवाजा खुला होगा। हेलो आंटी। हेलो संजीव। अरे क्या बात है, आज आप चौंकी नहीं? मैंने आपको बॉस आंटी ना कहकर सिर्फ आंटी कहा। शायद मैं इसकी वजह जानती हूँ, इसलिए। आंटी, मैं अब इस वजह को एक नाम देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। संजीव, जिस वजह को तुम अपने नाम देना चाहते हो वही तो मेरी प्रॉब्लम है एक्चुअली। संजीव, तुम बहुत अच्छे हो, हमारी फैमिली के साथ कई सालों से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तुम शिखा से प्यार करते थे, तब से तुम्हारा रिश्ता हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज वो नहीं है। फिर भी इस घर की जिम्मेदारियां
तुमने अपने कंधों पर ले ली। तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक कमी है सचिव। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? क्या मुझसे इस घर की इज्जत करने में कोई कसर रह गई? यही तो प्रॉब्लम है संजीव, तुमने सभी को अपना समझा। किसी एक को समझा होता तो प्रॉब्लम नहीं आती। रवि ने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को तुम तोड़कर किसी और बंधन में बनना चाहते हो, क्या ये गलत नहीं है? क्या सही है और क्या गलत ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ आंटी। आप तो एक ऐसी माँ है जिसने जानने के बाद भी कि मैं उसकी बेटी से प्यार करता था, मुझ पर भरोसा किया, मेरी मदद की और अपनी दूसरी बेटी के करीब लाने की कोशिश की। आपका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल वैसा था जैसा कि एक माँ का होता है, इसलिए मेरी नजरों में आपका दर्जा एक माँ का ही है और आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुझे तुम पे नाज है संजीव। और मुझे भी आप पर बहुत नाज है मामा। और अपने इस सॉरी अपने नहीं संजीव पर। संजीव तुम तो यहां मामा को समझाने आए थे कि हमारे रिश्ते को एक नाम चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुमने मुझे तसल्ली दी थी कि तुम यहां आकर मामा से सारी बातें क्लियर करोगे। पर यहां तो तुम मामा के आगे सर झुकाए उस सजा को कबूल कर रहे हो दरअसल जो मुझे मिलने वाली है। रूपाली मुझे तो आप पर भी बहुत नाज है मामा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपनी ही बेटियों में कैसे फर्क महसूस कर सकती हैं। आपने इतने अजीब हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि मैं संजीव से मैं भी चलता हूं। मैं अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों भर रही हूं? कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूं? क्या कर रहे हैं आप लोग? एक छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ सकते? लानत है आप लोगों पर कि एक माँ के दुख को नहीं समझ सकते। नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरी निशु वापस ला दो प्लीज, मुझे मेरी निशु वापस ला दो। प्रिया भाभी प्लीज फोन मुझे दीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, प्रिया भाभी की हालत ठीक नहीं है। जी हाँ ठीक है सर, ओके। इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, प्लीज हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे हिम्मत रखूं बॉबी, कुदरत ने मेरी नन्ही सी बच्ची को मुझसे छीन लिया है, मेरे आंचल को सूना कर दिया। तुम्हारा आंचल कभी खाली नहीं रहेगा। निशु 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 ओ मन निशु ओ मन निशु ओ मन निशु 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 तू कहाँ चली गई? निशु ये तुम्हारी पास कैसे आई? ये गिरी हुई हरकत मेरे अंकल खुराना ने की है। खुराना ने? हाँ खुराना, जिसे अंकल कहते हुए मुझे शर्म आती है। प्रिया मेरी बात का यकीन करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई सोच भी नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, माँ का दर्द समझ सकती हूँ, किसी की औलाद को उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकती। प्रिया मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, जो तकलीफ तुम्हें हुई है भगवान किसी को ना दे। रुको निशा, आज तक मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझती रही और उस दुश्मनी के तहत मैं ये भूल गई थी कि तुम भी एक बेटी की माँ हो, इसलिए मैंने तुम पर भी शक किया। लेकिन आज आज तुमने मेरी बेटी को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम नहीं जानती। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ बच्ची को लौटाया है जिसका दूध पीकर वो जिंदा है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने सबको माफ कर दिया निशा। हाँ तुमने तुमने इस जान को लुटाकर मेरे अंदर जो इंतकाम की आग थी उसे मिटा दिया है।
तुम दीपक से कहना मैंने उसे माफ कर दिया, मैं अपने सारे इल्जाम वापस ले लूंगी। तुम्हारे सारे इल्जाम वापस लेने से हमारे गुनाहों का बोझ तो कम नहीं होगा ना। दीपक किसी से भी नजर उठा के बात नहीं कर पाएगा, यही उसकी सजा है और उसे जिंदगी भर इसी के साथ जीना है और यही मेरी सजा है। लेकिन एक बात, मैं खुराना को छोड़ूंगी नहीं। निशु, मेरी निशु, देखो बॉबी, हमारी निशु वापस आ गई, हमारी निशु लौट आई। यकीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है प्रिया भाभी, आपकी कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, अगर आपके अंदर यकीन है तो एक ना एक आपको मिलेगी। और देखिए ना, इसी यकीन की वजह से आपकी बच्ची आपके पास वापस लौट आई। हाँ सच बॉबी, मेरी यकीन ने मेरे दुश्मन का दिल भी पिघला दिया, वो खुद आकर मुझे मेरी जान लौट आ गई है और मेरी निशु मेरे आंचल में वापस लौट आई है। ओ निशु, देखिए मिस्टर प्रसाद की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, उनका लीवर पूरी तरह खत्म हो चुका है। डॉक्टर आप कुछ कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कल से वो शराब नहीं पिएंगे, लेकिन एक बार देखिए। देखिए मैं आपके हालात अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप उन्हें मुंबई किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आप कह रहे हैं तो मैं उन्हें बहुत जल्द मुंबई ले जाऊंगी। बेहतर होगा कि आप उन्हें मुंबई जाकर किसी बड़े से हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें ताकि उनकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो जाए। यस डॉक्टर, थैंक यू। ये उनके मेडिकल रिपोर्ट की फाइल है। इस तरह सोच सोच कर आप दोनों काहे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सीधे सीधे फैसला क्यों नहीं करते इंदर को बंबई लाने का? दादा आप जाके नहीं ना लाओगे तो इंदर बंबई आने वाला नहीं। मेरे वहां जाने का कोई फायदा नहीं दादा, मैं जानती हूँ अगर मैं वहां चली गई इंदर मेरे साथ कभी वापस नहीं आएगा, मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। तुम कोशिश से पहले इनकार क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि इंदर यहाँ आए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका ढंग से इलाज हो? दादा मैं चाहती हूँ लेकिन ये लेकिन की गुंजाइश नहीं है जिया। तुमने इंदर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया लेकिन इस घर के साथ अब भी उसका नाता है, मेरे साथ सती सिंह के साथ। हमारे परिवार का सदस्य है वो, तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं उसे यहाँ लाऊंगा। दादा आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे, मेरी तकलीफ की वजह इस वक्त इंदर के साथ मौजूद है। कहीं तुम राधिका की बात तो नहीं कर रही? बेटी वही तो एक लड़की है जो इस वक्त इंदर को संभाल रही है, उसे प्यार दे रही है, जबकि इंदर को हम सब की जरूरत है। वो बच्ची तुम्हारी तकलीफ की वजह कैसे बन सकती है? या इसलिए कि वो निविदा सिंह की बेटी है? हाँ डडा, डडा मुझे तकलीफ है कि मेरी बेटी इंदर के पास क्यों नहीं है, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी है कहाँ। मैंने अगर वहां पे राधिका को देख लिया ना तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं उन लोगों को उतना ही गुनहगार समझती हूँ जितना कि मैं अपने आप को समझती हूँ। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, उसकी भी एक वजह वही लोग हैं। डरा प्लीज, अगर आप जाना चाहते हैं आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे आने के लिए मत कहिएगा प्लीज डरा। हेलो, हेलो अंजलि, राधिका, राधिका, राधिका रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पापा, अंजलि, शराब पीने की वजह से पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इस शहर में उनका इलाज होना बहुत मुश्किल है, उन्हें मुंबई ले जाना पड़ेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डरो नहीं राधिका, देखो सब ठीक हो जाएगा। अब इस वक्त जैसा डॉक्टर कह रहे हैं तुम वैसा ही करो,
उन्हें जल्दी से जल्दी मुंबई लेकर आओ तुम। लेकिन अंजलि, जो इंसान बिखरे हुए हालात की वजह से शहर छोड़ चुका है, उसे मैं वापस उस शहर में कैसे ले जाऊं? क्योंकि मुंबई में पहले जो हालात थे, आज भी वही हालात है, कुछ नहीं बदला। राधिका, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन देखो इस वक्त उन्हें इलाज की जरूरत है और तुम्हें किसी भी हालत में उन्हें बंबई लाना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें झूठ का इशारा क्यों ना लेना पड़े। यानी तुम्हारा मतलब है मैं उसे झूठ बोलूं? मैं उसे ये कह दूं कि अब सब लोग आपस के गिले शिकवे दूर करके एक हो गए हैं, सब लोग इकट्ठा रह रहे हैं। नहीं अंजलि, मुझसे ये नहीं होगा, मैं पापा से झूठ नहीं कह सकती। तो फिर तुम क्या कहोगी उनसे? मैं उस झूठ को सच में बदलना चाहती हूँ। अंजलि, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बोलो अंजलि, क्या तुम मेरा साथ दोगी? पापा की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में तू मेरा साथ दोगी? मैं क्या कर सकती हूँ राधिका? अंजलि, तुम जया मम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ। ये नामुमकिन है राधिका, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं जया प्रसाद से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। अंजलि, जब शेखर जी जिंदा थे तब तो तुम्हारा जया प्रसाद के साथ कुछ रिश्ता था। देखो कानू दत्त वो मेरे पापा की अब पत्नी नहीं लगती, फिर भी मेरे पापा चाहते हैं कि सारे रिश्ते बने रहे, हमारा खानदान एक साथ रहे, और जब तक वो पूरे खानदान को एक साथ नहीं देखेंगे वो मुंबई आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। देखो प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, अंजलि प्लीज मेरी मदद करो। मैं वादा तो नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। अंजलि, मैं यही सुनना चाहती थी। देखो मैं यहां से जया मम्मी से बात करूंगी और जो कुछ डिसाइड होगा वो तुझे मैं फोन करके बताऊंगी। अच्छा अंजलि, ओके बाय। कहने को तो कह दिया मैंने लेकिन जानती हूँ ये कितना मुश्किल है, कैसे जोड़ पाऊंगी इन टूटे हुए रिश्तों को, कैसे।